नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य कुंवर। एस्ट्रो साइंस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आपका वैवाहिक जोड़ीदार कन्या राशि का हो तो आपको उसके साथ किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, कौन से उनके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं, किस तरह का उनका व्यक्तित्व है। आपको उनके बारे में जो छोटी छोटी बातें हैं वो जानना बहुत ही आवश्यक होता है, जिसके वजह से आपके जो वैवाहिक संबंध है उसमें हार्मनी आ सकती है और आपके वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने के लिए इन सारी बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कन्या राशि का स्वभाव क्या है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो प्रेम होता है और जो विवाह होता है उसमें क्या फर्क है। देखिए, प्रेम एक भावना है और विवाह एक जिम्मेदारी। अगर आप किसी के साथ प्रेम में हो तो दिन का थोड़ा हिस्सा हम एक दूसरे के आमने सामने जाते हैं, तो इसमें होता क्या है कि हम अपनी जो सकारात्मक व्यक्तित्व होता है वही सामने रखने का प्रयत्न करते हैं। प्रेम में ये भावना दोनों ही साइड से होता है, मतलब आपके जो प्रेमी है वो भी ऐसा करेंगे, आप भी वैसा ही करेंगे। इसके वजह से क्या होता है कि जो आप लोगों का अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि एक दूसरे को जानने के लिए अट्रैक्शन, जिज्ञासा और भी बढ़ जाते हैं हमारे अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेम में हम बहुत ज्यादा आतुर होते हैं क्योंकि दिन का बहुत छोटा सा हिस्सा हम एक दूसरे के सामने आते हैं और हमारे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं वो हम ज्यादा करके नहीं दिखाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, सिर्फ सकारात्मक भाव होता है प्रेम में तो अपना जो अट्रैक्शन लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम विवाह को देखें तो यह एक कर्तव्य है, बंधन है और एक रिश्ता है। तो विवाह में क्या होता है कि 2400 घंटे आप एक दूसरे के आमने सामने रहते हो। तो विवाह में आपने देखा होगा पहले 2-3 महीनों में हमें बहुत ही आनंद आता है एक दूसरे को समझने में, जानने में। तो विवाह में भी शुरुआत में हम क्या करते हैं कि अपने जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वही सामने में रखने का ट्राई करते हैं, जिसके वजह से हमारे सामने जो व्यक्ति होता है वो भी खुश होता है। लेकिन 2-3 महीनों के बाद क्या होता है कि हम हमेशा अपने पॉजिटिव माइंड में नहीं रहते हैं, हमारे अंदर उस दौरान कुछ नेगेटिव भावना भी आती है नॉर्मली। तो 2-3 महीनों के बाद क्या होता है कि हमारे जो नकारात्मक भावनाएं हैं, हमारे व्यक्तित्व के जो नेगेटिव पहलू है वो भी धीरे धीरे सामने आ जाते हैं और अपने सामने जो व्यक्ति होता है, जो वैवाहिक जोड़ीदार होता है, उनके भी जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है वो भी धीरे धीरे सामने आ जाते हैं। तो उसके बाद हमारे रिलेशंस में कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको पता होगा कि जो आपका वैवाहिक जोड़ीदार है उसका स्वभाव किस तरह का है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है और आपके वैवाहिक जोड़ीदार की सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, अगर वो रूठ जाए तो उनको कैसे मनाना है, तो अगर आपको उनके स्वभाव के बारे में पूरी तरीके से पता चले तो मेरे ख्याल से अगर आपके बीच में कोई कॉम्प्लिकेशंस है या फिर कुछ तकरार है तो वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे और कॉम्प्लिकेशंस कभी आएंगी भी नहीं अगर आपने उनका स्वभाव अच्छे तरीके से समझ लिया। तो इसी विषय में हम आज कन्या राशि के लिए चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो कन्या राशि का जो स्वभाव होता है वो किस तरह का होता है। कन्या राशि बुध की राशि है, बुद्धिमान राशि है, द्वि राशि है और छठे घर की ये द्वितक है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये जो राशि होती है कन्या राशि बहुत ज्यादा क्यूरियस होती है, मतलब इनमें जिज्ञासा बहुत होती है हर एक मामले में, क्यों, कैसे, कब, ऐसे जो प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न वो हमेशा आपको पूछते रहेंगे। इससे पहले भी मैंने बोला है ऐसी और एक राशि है जो कि इस तरह की प्रश्न पूछती है लेकिन वो इतनी जिज्ञासु नहीं होती है। जैसे कि इससे पहले मैंने मिथुन राशि के बारे में ऐसा कहा था, मिथुन राशि भी बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछते हैं लेकिन उनके प्रश्नों का आप उत्तर दोगे और उत्तर देके आप भूल भी जाओगे तो चलता है। लेकिन यह जो कन्या राशि है इनके मामले में ऐसा नहीं है, अगर आपने इनको कोई उत्तर दिया है तो एंड तक आपको वही उत्तर रखना पड़ेगा और अगर आपको वो दोबारा वही प्रश्न पूछ लिए और आपने उत्तर अलग बता दिया तो आपको वो बता देंगे कि इससे पहले आपने अलग उत्तर दिया था। तो ये जो चीजें हैं, जो जिज्ञासा होती है उनमें, वो उनके लिए उनको बहुत ज्यादा मायने रखती है और आपके अलग अलग उत्तर का वो ये मतलब निकाल लेंगे कि आपने झूठ बोला था। और विवाह के संदर्भ में हम देखें तो इन्हीं बातों से दरार आने की संभावना आ जाती है, तो इनके साथ थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी दिखाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कन्या राशि किसी के ऊपर विश्वास
विश्वास नहीं रखती, ये डायरेक्टली किसी पर विश्वास नहीं करती और बहुत कालावधि जाने के बाद या फिर बहुत टाइम होने के बाद ही ये आप पर थोड़ा सा विश्वास करने लगेंगे। कन्या राशि बोलने में बहुत ज्यादा आतुर होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा बोलते हैं लेकिन इनकी जो मन की बात है वो आप जान नहीं सकेंगे, क्योंकि उनके मन में जो बात रहती है वो जल्दी से ओपन नहीं करते हैं। आपने ये बात कन्या राशि के साथ अनुभव भी किया होगा कि किसी भी विषय पे वो बहुत ज्यादा बोलेंगे, बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे लेकिन अपनी मन की बात को वो सामने वाले के पास वो व्यक्त नहीं करेंगे। इनको नॉलेज भी बहुत सारे विषयों का होता है तो इसीलिए बहुत ज्यादा बोलेंगे लेकिन अपने मन की बात सामने नहीं रखेंगे, तो ये बात इनमें होती है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी होते हैं और ये बात बहुत ही अच्छी है। देखिए हर जो गुण होता है राशि में उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, तो जो मैंने कहा कि बोलने की जो कला होती है वो कला इनमें बहुत ज्यादा होती है, तो कई व्यक्तियों के लिए ये जो बोलने वाला पार्ट है वो अच्छा नहीं होता है और कई व्यक्तियों के लिए अच्छा हो सकता है। देखिए इससे पहले मैंने मिथुन राशि के लिए कहा कि वो ज्यादा बोलना पसंद करते हैं, तो ये राशि भी वैसी ही है लेकिन इनके बोलने में वो क्यूरियस जो जिज्ञासा होती है वो रहता है और ये आपके बारे में छोटी छोटी डिटेल्स रखेंगे, मतलब आप व्यक्ति कैसे हो, आपका व्यक्तित्व क्या है, आप किन चीजों में रुचि रखते हो, आपकी साइकोलॉजी क्या है, तो इन बातों को रीड करने के पीछे ये राशि लगी रहती है। तो अगर कन्या राशि को पता चल जाए कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हो तो इसी प्रकार से वो आपके साथ बिहेव करेंगे, मतलब ये जो राशि होती है ये राशि रिलेशनशिप मेंटेन करने में बहुत माहिर होती है। आपके जो अवगुण है या फिर जो गुण है उनके बारे में ये अच्छी तरह ध्यान रखते हैं, मतलब कन्या राशि का जो इंटेलेक्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये एक बौद्धिक राशि है, तो इनकी जो बुद्धिमत्ता होती है वो छोटी छोटी बातों में रस लेती है। तो मित्रों अगर आपका वैवाहिक जोड़ीदार कन्या राशि का हो तो आपके विवाह के एक महीने में ही वो आपके बारे में सब कुछ पता कर लेंगे, मतलब आप क्या हो, किस विषय में रुचि रखते हो, आपकी साइकोलॉजी है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, मतलब जो भी है छोटी मोटी बातों को लेकर हर चीज पे इनका ध्यान रहेगा आपके ऊपर। और पैसों के मामले में ये जो राशि होती है थोड़ी प्रैक्टिकल होती है, मतलब जो कन्या राशि के जो लोग है वो पैसा जल्दी खर्चा नहीं करते हैं और पैसे खर्च करने के बारे में भी ये सोचेगी कि इसका लॉन्ग रन इफेक्ट यूजफुल है या नहीं। मतलब जैसे कि हमने पहले देखा कि जो मेष राशि है, मिथुन राशि है, ये जो राशियां है वो पैसे खर्च करने के मामलों में इतना नहीं सोचती है और पैसे खर्च भी कर देते हैं, लेकिन ये जो कन्या राशि है ये पैसा खर्च नहीं करेगी, ये अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर बहुत ही बारीक तरीके से सोचते हैं। अगर कुछ खर्च करना हो तो बारीकी से उस खर्च के बारे में सोचेगी कि ये जो पैसा खर्च करने वाले हैं वो कहाँ जाने वाला है, किस तरह से वो यूटिलाइज होने वाला है, उसके बाद ही ये पैसा खर्च करते हैं। इसीलिए ये जो राशि है अगर आपका वैवाहिक जोड़ीदार कन्या राशि का हो तो बहुत अच्छा होता है। पैसा ये किस तरह से पैसे को किस तरह से बैलेंस रखना है इनको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। एक महत्वपूर्ण बात, कन्या राशि से किसी भी विषय पर डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि यह जो राशि होती है ये खुद के डिसीजन अच्छी तरह से नहीं ले पाते हैं, मतलब कोई भी अगर मसला हो तो उसके बारे में डिसीजन हाँ है ना है तो उसी में वो सोचते रहेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये राशि बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होती है तो इनके क्यूरियोसिटी लेवल के अनुसार ये डिसीजंस नहीं ले पाते हैं कि ये चीज अच्छा होगा या नहीं, तो उसी में ही ये लगे रहते हैं। कन्या राशि बौद्धिक होने के कारण उनमें क्यूरियोसिटी लेवल बहुत ज्यादा होता है और इसी क्यूरियोसिटी के कारण उनमें डिसीजन लेने की क्षमता बहुत कम होती है और इसी प्रकार वो सामने वाले को भी डिसीजन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो आप उनसे कोई सलाह मशवरा के मामले में थोड़ा दूरी रहिएगा। उसी प्रकार अगर हम कन्या राशि को काम करने के मामले में भी देखें तो वो थोड़े कम होते हैं, मतलब ये जो राशि है वो मार्केटिंग में बहुत ज्यादा आगे जा सकती है। स्पाईगिरी जिसे हम बोलते हैं, अगर किसी के बारे में कुछ खोजबीन करनी हो तो ये बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। दूसरी बात, जो ऑफिस वर्क होते हैं उसमें भी ये राशि बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि सभी प्रकार के ज्ञान उनको होते हैं, या फिर अगर अकाउंटेंट के जॉब इनको दी जाए तो उसमें भी ये बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे। अगर हम घर की तरफ देखें तो घर के काम में ये ठीक ठाक है, कुछ ज्यादा नहीं कुछ कम भी नहीं। घर के कामों में ये दिखाएगी कि इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। इनकी एक बात ये रहती है कि ये एक्ट बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, जी हाँ, जिसे हम एक्टिंग कहते हैं, दूसरों की नकल उतारना, ये कन्या राशि वालों को बहुत अच्छी तरीके
से आता है, क्योंकि ये राशि बहुत क्यूरियस होती है और बारीक बारीक चीजों पे इनका ध्यान रहता है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से किसी मामले में एक्ट करेगी या नकल उतार लेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक महत्वपूर्ण बात थोड़ी नेगेटिव है, इस राशि को कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम जरूर रहती है, मतलब शारीरिक जो स्वास्थ्य होता है वो इन राशियों का इतना अच्छा नहीं होता है। फिजिकल जो काम होता है जैसे कि मेष राशि होती है या फिर वृषभ राशि होती है या फिर कर्क राशि होती है या फिर सिंह राशि भी होती है, वो जो फिजिकल काम होते हैं उसमें वो स्टेडी होते हैं, मतलब बहुत दिनों तक फिजिकल काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो राशि है कन्या राशि, फिजिकल काम करने में इतनी स्टेडी नहीं होती है। हालांकि कोई अगर फिजिकल एक्टिविटी इनको दे दी जाए तो ये अपना दिमाग लगाएंगे कि किस तरह से इस काम को टाला जाए या फिर किस तरह से जो काम है वो दूसरे के सर पे डाल दिया जाए। तो इसके बारे में ये जो राशि होती है वो बहुत ज्यादा होशियार होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, जिसे हम कहते हैं जो वैवाहिक जोड़ीदार, वो अगर आपका कन्या राशि का होगा तो दो तीन बातें आपको ध्यान पे रखना आवश्यक है। एक बात, उनके जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर देना, और आप जो भी उत्तर देंगे उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, मतलब जो भी आपने उत्तर दिया है उसी के ऊपर कायम रहना और जो भी अपने बारे में बातें हैं वो खुल के उनके सामने रखना और इनके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं छोड़ना। आइए मित्रों, अब देखते हैं कि अगर आपका वैवाहिक जोड़ीदार जो कन्या राशि का है वो अगर रूठ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर ये आपसे रूठ जाए तो आप थोड़े से अगर फनी मिजाज के होके इनके सामने आएंगे तो इनके साथ आपकी सुलह हो सकती है, ये आपको माफ कर सकते हैं या फिर जो आपके बीच में मनमुटाव थे वो भी दूर हो सकते हैं। तो इनको बस सरल तरीके से आप कुछ फनी चीज बोलिए या फिर कीजिए तो इनके लिए वो चीज काफी रहेगा। और इनके लिए अगर आप अच्छी अच्छी बातें करो तो ये राशि आपके बातों में आने वाली होती है और उस दौरान आप इनको शॉपिंग के लिए भी ले जा सकते हो। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये राशि कुछ खुद से पैसा खर्च नहीं करेगी, तो आप अगर इनके लिए कुछ खरीदना चाहते हो, कुछ गिफ्ट करना चाहते हो, आपके जब आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस फील हुआ हो या फिर जब मनमुटाव हुआ, तो इनको उस दौरान ये चीजें बहुत अच्छी लगेंगी और उनको लगेगा कि आप उनको समझ रहे हो और ये बहुत ही जल्दी शांत और निर्मल हो जाएंगे। तो मित्रों, अगर विवाह के संदर्भ में देखा जाए तो यौन संबंध भी विवाह में बहुत मायने रखता है। तो ये जो कन्या राशि है, ये राशि यौन संबंध में उतनी स्टेडी नहीं है, मतलब खुद से ज्यादा ये राशि यौन संबंध में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती है। मतलब यौन संबंध को भी अगर हम देखते हैं तो उसमें भी फिजिकल वर्क ज्यादा होता है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि फिजिकल वर्क में ये इतने आगे नहीं होती है और ये उस मामले में इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं और बोलने में भी ये इस टॉपिक पे थोड़े कम है। लेकिन इनका ज्ञान तो उस मामले में पूरा रहता है, लेकिन वो आपके फिजिकल रिलेशन में इतना नहीं बोलेंगे। तो यही सारी बातें हैं जो अगर आप अच्छी तरह ध्यान में रखोगे तो आपके वैवाहिक जोड़ीदार अगर कन्या राशि का है तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से और खुशमय जाएगा। तो ये था दोस्तों कन्या राशि के लिए, जो आपके वैवाहिक जोड़ीदार होंगे या हैं उनके स्वभाव कैसे रहते हैं, उनके व्यक्तित्व कैसे हैं, उसके बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।